नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने अपना स्पेशल प्रोग्राम। भारतीय इतिहास के कई ऐसे रहस्य हैं जो जमीन के अंदर समाये हुए हैं, जिनका बाहर आना अभी बाकी है। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इतिहास में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, या फिर उनके बारे में इतिहासकारों में भी मतभेद बना हुआ है। लेकिन इतिहास के पन्नों के बाहर भी ऐसी बहुत सी तमाम गाथाएं हैं जिनके बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं। उनमें से ही एक है महाभारत। जी हाँ, वही महाभारत जिसमें महाभारत के बहुत सारे भारत के प्राचीन इतिहास उसमें दर्ज हैं। वही महाभारत से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो कि सामने आए हैं। आज हम उन्हीं तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ASI की टीम ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को कुछ ऐसा मिला है जिसको देखकर वो लोग भी हैरान रह गए। और माना जा रहा है कि यहाँ पर इतिहास के कई राज दफन हैं। उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए यहाँ पर खुदाई की गई, और उसी खुदाई के दौरान कई ऐसी चीज़ें मिली जिसमें रथ, चूल्हे, खिलौने तो थे ही, साथ में कई सारी सामूहिक ताबूतें थीं। यहाँ के लोग बहुत पहले से ही मानते हैं कि इस जगह का महाभारत काल से कोई बड़ा कनेक्शन है, जबकि इतिहासकार ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ मिले ये सामान, जो कि आज से लगभग 4,000-5,000 साल पुराना हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाभारत काल में पांडवों के द्वारा मंगाए गए 5 गांव में से बागपत भी शामिल था, इसीलिए इसको महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या कनेक्शन है इसका महाभारत काल से, और खुदाई में क्या क्या चीजें मिली हैं, आइए बताते हैं आपको अपने इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के इतिहासकारों का मिथक आखिरकार सिनौली साइट ने तोड़ दिया, जिस बात को लेकर इतिहासकार काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, वो नजारा आखिरकार सामने आ ही गया। विश्व भर में अभी तक मिले प्राचीन सभ्यताओं के सावधान पुरस्थलों में सिनौली साइट सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चल रहे खनन के पुरातत्विद महाभारत कालीन रथ और शाही ताबूत मिले हैं। इसके साथ ही ताबूत में दफन योद्धा की त्राम युगीन तलवारें, ढाल, सोने और बहुमूल्य पत्थरों के मन के योद्धा का कवच, हेलमेट जैसी चीजें प्राप्त हुई हैं। अब पूरे विश्व की नजरें सिनौली पर आकर टिक गई हैं। आपको बता दें कि दरअसल 15 फरवरी साल 2018 को बागपत के जनपद गांव सिनौली में खनन स्थल पर एक ट्रायल ट्रेंच स्थानीय इतिहासकारों की मांग पर लगाया गया था। बता दें कि यहां पर सर्वेक्षण के दौरान शहजाद राय शोध संस्थान के निर्देशक अमित राय जैन और तत्कालीन उप महानिरीक्षक मेरठ विजय कुमार को यहां से त्राम धातु के टुकड़े बाण की आकृति में मिले थे। जिस जगह पर गांव वालों द्वारा मिट्टी हटाई गई थी, उसी जगह पर सिनौली का ये ऐतिहासिक ट्रंच लगाया गया था। बता दें कि पहले दिन से ही यहाँ पर चीजें मिलना शुरू हो गई थी। जो रथ यहाँ पर मिला है उसे करीब 5000 साल पुराना बताया जा रहा है। सिनौली उत्खनन से प्राप्त पुरावेश की जानकारी देते हुए इतिहासकारों ने बताया है कि सिनौली के जो प्रेजेंट के 8 मानव कंकाल और उनके साथ 3 एंटीना शॉट यानी कि तलवारें मिली हैं, और कुछ दुर्लभ पत्थरों के मनके, और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोतूहल वाला 5000 साल पुराना रथ मिला है। उन्होंने बताया है कि भारत में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के बाद अभी तक हुए उत्खनन और शोध में पहली बार सिनौली उत्खनन से भारतीय योद्धाओं के 3 रथ प्राप्त हुए हैं, जो विश्व इतिहासकार के एक दुर्लभतम घटना है। भारतीय इतिहास के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। अभी तक विश्व के इतिहासकार भारतीय मानव सभ्यता के प्राचीन निवासियों को बाहर से आया हुआ
बताकर अन्य सभ्यताओं से कमतर आंकते रहे, लेकिन योद्धाओं के शवों से उनके युद्ध की रथ भी दफन किए गए। योद्धाओं की तलवारें, उनके हेलमेट, कवच, ढाल भी प्राप्त होना 5000 साल पुराना युद्ध कला का स्पष्ट उदाहरण है। मौके पर मौजूद शहजाद राय शोज संस्थान के निर्देशक अमित जैन ने दावा किया है कि सनौली सभ्यता भारतीय संस्कृति और इतिहास के विश्व के पुरातत्व को दोबारा लिखने को मजबूर कर देगा। वहीं बागपत के इतिहास की बात करें तो वो महाभारत के काल से है। फिलहाल अब सिनोरी साइट ने काम समेट लिया है। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो दिल्ली में के लाल किला में पहुँचाया जा रहा है। वहाँ पर इस पर साफ सफाई कर अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के सामने प्रस्तुत करने लायक बनाया जा रहा है। इसके संबंध में बताया जा रहा है कि महाभारत महाकाव्य में जनपद बागपत के बरनावा और बागपत नगर व यमुना नदी के दूसरी ओर हरियाणा के सोनीपत पानीपत नगर को पांडव द्वारा श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से कौरवों से संधि के दौरान मांगा गया था। अगर ज्योग्राफिकल बे में देखें तो ये भी सिद्ध है कि ये इलाका कुरु जनपद का प्राचीन काल से केंद्र रहा है, जिसकी प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दिल्ली रही है। 4000 साल पहले भी यह सभ्यता थी। साल 2005 में सिनौली के उत्खनन रासायनिक विधियों से प्राप्त कार्बन डेटिंग में भी सभ्यता को 4 से 5000 साल का सिद्ध करती है। सिनौली से साल 2005 में जो मानव शक जो कि सैकड़ों की संख्या में थे, महाभारत सभ्यता के निवासी के हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये भी है कि वर्तमान में पुराने स्थल के करीब 5 किलोमीटर पहले स्थित खेत पर जो ट्रायल ट्रेंच लगाया गया था, वहां से भारत के प्राचीनतम सावधान केंद्रों की एक दुर्लभ प्रक्रिया ताबूत में मानव शव को दफनाया गया है प्राप्त हुआ है। उस ताबूत को अत्यधिक दुर्लभ मानी जाने वाली त्राम धातु से सुसज्जित किया गया है। बता दें कि यहाँ पर युद्ध की पुष्टि भी होती है। ताबूत के अंदर दफन योद्धा के शस्त्र अस्त्र आभूषण दैनिक उपयोग के जो पदार्थ हैं वो काफी प्राप्त हुए हैं। उस साथ ही उस योद्धा के प्रयोग में लाए जाने वाले युद्ध रथ भी दफन किए गए हैं जो पहली बार भारत में प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से ये भी प्रूव होता है कि पुरावशेष और कंकाल 4500 साल से अधिक पुराने हैं और ये समय महाभारत काल का समय कहा जाता है। सिनौली में जो भी कंकाल मिले हैं उनके साथ युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियार बरामद हुए हैं, जो ये बात सिद्ध करती है कि ये आम व्यक्ति नहीं बल्कि योद्धा थे। इस बात से भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि महाभारत युद्ध में मरने वाले योद्धाओं के शव यहाँ पर नहीं दफनाए गए थे, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ था। निश्चित रूप से 2005 में एक बार पहले भी सिनौली में उत्खनन किया गया था, उसके उपरांत अब किया जा रहा है। और जो अब ये डिस्कवरी हुई है, सामने आई है, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि अभी तक इस तरह का रथ का मिलना, इस तरह की चीज़ों का मिलना नहीं हुआ था, और इस तरह का जो कॉफिन मिला है वो भी कहीं नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से सिनौली पूरे विश्व के पटल पर आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से सबसे ऊपर आने वाला है, और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि। सर, साइट से कुछ रथ और तलवार वगैरह भी बता रहे हैं जी। मैं यही कह रहा था, जो रथ मिले हैं और जो कुछ उसके तलवार के नमूने मिले हैं, एक राजा का कॉफिन मिला है जिसमें लगता है एक राजा है, उसमें बहुत सारे उसके आयुध बने हुए हैं, कुछ और सिंबल्स बने हुए हैं, पीपल के पत्ते का बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिनके 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 अभी एक्सप्लेनेशन किया जाना है, जिनकी अभी का विवरण किया जाना है कि क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं। और वो जैसा आपको दिख रहा है कि वो एक पलंग के ऊपर राजा लेटा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और वो रथ, दो रथ मिले हैं,
तो निश्चित रूप से किसी राजा के ही ये रथ रहे होंगे, जो वो राजा का जिसका शव केंद्र है या ये उसके रहे होंगे। और इसके पास के जो खेत हैं वहाँ 2005 में एक्सकेवेशन हुआ था, 125 स्केलेटन मिले थे, शवादान केंद्र मिले थे। तो अब ये मुझे लगता है कि ये वाला क्षेत्र शायद कुछ राज परिवार का शवादान केंद्र है और वो सामान्य जनों का शवादान केंद्र रहा होगा, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। देखिए, सिहोली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भारत की सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए, और महत्वपूर्ण ये है कि सन 2005 में भी यहाँ एक्सकेवेशन हुआ था जो काफ़ी लंबे टाइम चला, और 118 के तकरीबन यहाँ पे मानव कंकाल मिले थे। और उन मानव कंकाल के मिलने से धारणा कुछ नहीं थी कि सैंधव सभ्यता कालीन, यानी कि उससे भी प्राचीन सभ्यता के लोग निवास करते थे उनके शवाधान केंद्र, लेकिन उस समय यहाँ जो एविडेंस मिले वो शवाधान केंद्र के थे, हैबिटेशन के नहीं थे। लेकिन आज हम जिस साइट पर खड़े हैं वो इससे लगभग 500 मीटर के आसपास की दूरी है, और यहाँ जो एविडेंस मिले हैं, जो शवाधान केंद्र मिला है, लगभग 8 के करीब कंकाल यहाँ मिले हैं मानव सभ्यता के, तो वो अत्यंत दुर्लभ श्रेणी के हैं, क्योंकि यहाँ 2 ताबूत मिले हैं। और हिंदुस्तान में पहला मौका है कि किसी उत्खनन स्थल से 5000 साल पुरानी तकरीबन रही है जो उस सभ्यता के ताबूत मिले, और इतने ज़्यादा समृद्ध हैं, इतने ज़्यादा कलात्मक हैं कि उनको देख करके हम ये दावा कर सकते हैं कि 5000 साल पुरानी मानव बस्ती, हिंदुस्तान के निवासियों की संस्कृति अत्यंत समृद्ध थी। देखा है आपने कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने लगभग 5000 साल पुराना महाभारत काल का पुख्ता सबूत ढूंढ निकाला है, जो कि उन लोगों की सोच को झूठा साबित करता है जो महाभारत को एक काल्पनिक मानते थे। ये तो था हमारा आज का खास प्रोग्राम। फिर हम हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नमस्कार।